चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। अपनी फसलों का लागत पे लाभकारी मूल्य लेने के लिए जो ये धर्म युद्ध का दूसरा पार्ट शुरू होने जा रहा है, उसके लिए आप आज से तैयारी शुरू कर दें। उत्तर प्रदेश और देश की सरकार, हमें इंतजार है अपने नेता के सारे का। ये तो हमारा आंदोलन की जन्म स्थली है और जहाँ जिसका जन्म हो वहाँ से वो क्या क्या हाल करेगा। भाई सबसे छड़ी समस्या बेरोजगारी की है और किसान की है। ये दो ट्रैक्टर कटवा दो, रास्ता भूल जाओ। देश याद करेगा, भुक्का मरा लग रहा, भुक्का बर्बाद हो रहा, सब जमीन खरीदता लग रहे, मोटी अंबानी संबानी का नाम होता है, किसान बर्बाद हो गया, बिल्कुल बर्बाद, कुछ नहीं रहा, बेचारा केक रहा, अपना हक भी ना मांगा, गन्ना के रखा साल भरता है, पैसा भी ना मांगा अपने, बताओ बताओ तुम। तो बजट में भी किसानों को कुछ कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं किसानों को कुछ नहीं मिला, किसान तो बर्बाद हो गया भाई। ये चोर साहब रहा के टिकेती से मारेगा, इस खाड़े को सारे को संभाला, ये आंदोलन करेगा, किसानों के ऊपर मरेगा। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। सरकार बात नहीं सुनेगी, सरकार बात नहीं करेगी, ये बिल्कुल नहीं चलने दिया जाएगा। कान खोल करके सुन ले प्रशासन और उत्तर प्रदेश और देश की सरकार, हमें इंतजार है अपने नेता के सारे का। हम जेलें भरने को भी तैयार हैं, हम दिल्ली को पुनः घेरने के लिए भी तैयार हैं, और इसके अलावा तीसरा भी कोई कदम अगर हमारे नेता का कहने का आदेश होगा तो ये सरकार एक एक शब्द उस आदेश के पालन करने के लिए तैयार है। आज यहाँ जो किसान आ रहे हैं, टेंट लग रहे हैं, क्या मामला है, क्यों करना पड़ रहा है किसानों को? सरकार ने गाजीपुर बॉर्डर पर, किंग बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर जीवा आंदोलन चल रहा था, जो वादे करे थे सरकार उन वादों तक मुकर गई। और जो है चुनाव में इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किसान को बिजली फ्री देने की बात करी थी, किसानों के ट्यूबवेल पर मीटर लगाने लग गए। आज तक 4 महीने हो गए गन्ना सीजन, हमारा मिल पर गन्ना जाते हुए आज तक जो है गन्ने का भाव जो है वो डिक्लेयर नहीं किया। बधाने की तो बात छोड़ दो, भाव जड़ू ही डिक्लेयर नहीं करा, अभी भी हमारी पर्ची पर 00 ना, हमें पता किस भाव हमारा गन्ना जा रहा। आवारा पशु ने जो है हमारी हालत खराब कर दी, खेत जो है उजाड़ दिए, किसान जो है बिल्कुल कमर तोड़ दी सरकार ने किसानों की। मुजफ्फरनगर किसने का निर्णय लेगा, और मुजफ्फरनगर जो निर्णय लेगा वो पूरी यूपी में स्वीकार्य होगा, ऐसा भी सब जानते हैं। और जब इस मंच के माध्यम से मैं इतना कहना चाहता हूँ चौधरी साहब, निर्णय लेना पड़ेगा, बिना निर्णय के समाधान नहीं है, क्योंकि ये सरकार सत्तावसा सरकार है कि देश को आज इतना बड़ा समूह जो अडानी पूरे देश को कहा गया बर्बाद करके छोड़ दिया, उसके बाद भी उसके लिए एक दो शब्द गलत कहने के लिए तैयार नहीं है। आज ही कैसा लग रहा है, आज मुजफ्फरनगर में आए हो आप, अभी तक तो दिल्ली में थे, वहाँ से आप काम फतेह करवा के आए हो, अब यहाँ पे आ गए, क्या यहाँ भी फतेह करवाओगे? देखिए ये तो हमारा आंदोलन की जन्म स्थली है और जहाँ जिसका जन्म हो
वहां से वो क्या क्या हाल करेगा, ये तो सरकार को सोच लेना चाहिए था। 28 तारीख को ही इन किसानों की मांग पूरी हो जानी चाहिए थी, अगर ये किसानों के बारे में सोचते। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, किसान मजदूरों के, युवाओं के, महिलाओं के, छोटे व्यापारियों के खिलाफ भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार। आज ये नौजवान देखो, ये जाकत है, इनका काम जो है, इनका काम पढ़ाई लिखाई का है, यहाँ आने का थोड़ा, ऐसे बहुत जाकत है रे भाई। सब तो ठहरी समस्या बेरोजगारी की है और किसान की है। हमने वे तारे अंग्रेज गए, मुगल गए, फिर कांग्रेस गई, सपा गई, बसपा गई, लोक दल गई, अरे ऐसा नहीं तो नहीं तो लेते हमें कुछ आराम मिलेगा। इन्हें तो सबकी भिंडी पार दी। 60 साल में इतना किसान परेशान नहीं हुआ जितना इन्हें 8 साल बोलिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक करार किया अडानी के साथ, एग्रीकल्चर जो लोन दिए जाएंगे वो अडानी के माध्यम से दिए जाएंगे। स्टेट बैंक जो है वो पैसा अडानी को देगा, अडानी पैसा आपको देगा। ये षड्यंत्र इसलिए है कि आपकी जमीन को लेने में फिर दिक्कत नहीं होगी अडानी को, आपकी कुड़की कराने में दिक्कत नहीं होगी। अपनी फसलों का लागत पे लाभकारी मूल्य लेने के लिए जो ये धर्म युद्ध का दूसरा पार्ट शुरू होने जा रहा है, उसके लिए आप आज से तैयारी शुरू कर दें।